दुनिया के सबसे फालतू लाइफ हैक नंबर 5। अब इन दीदी को अपनी मैगी ठंडी करनी है तो इन्होंने कागज पे टेप चिपका के एक महान आविष्कार किया। अरे बर्फ जमगी बर्फ, देखो देखो। नंबर 4। अरे यार छिलका कहाँ फेंके, कहाँ डाले, जगह नहीं है। अरे थैली मुंह पे पहन लो। वाह दीदी वाह, अभी मोदी जी से गुजारिश करके आपको भारत रत्न दिलवाते हैं सालो। नंबर 3। अब इन दीदी ने बर्तन धोने के लिए एक अच्छी खासी बोतल में छेद कर दिए। अरे दीदी पास में देखो नल लगा हुआ है, मतलब भाई कौन से ग्रह से आते हैं ये। नंबर 2। अभिन दीदी ने चीटिंग करने के लिए सेल्फी ली, मतलब मोबाइल का इस्तेमाल किया, वो भी स्कूल में। अबे यहाँ नोकिया के मोबाइल को चड्डी में रख के ले जाना पड़ता था स्कूल में छुपा के। नंबर 1। अभिन भाई साहब ने 5 कलर मिला के टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच दी और बोल दिया 8 है। अबे अगर ये 8 है ना तो मैं भी रोजाना टॉयलेट में 8। 4। अभिन दीदी को देखो, जो भाई खड़े खड़े अपनी कमर को ऐसे टुचुक करके मोड़ लेती है, मतलब ये तो बिना मोड़े पीछे क्या चल रहा है सब कुछ ही देख सकती है। नंबर 3। अरे अरे इन भैया की उंगलियों को देखो, मतलब मुझे मेरी आंखों पे शक होने लगता है यार कि ये मुझे पागल तो नहीं बना रही, कैसे कर सकता है कोई ऐसे। नंबर 2। अब इन्हें देख लो, जिनके एक ही मुंह में दो दो जीभ है, यानी एक साथ ये दो अलग अलग चीजों को टेस्ट कर सकती है। गजब यार। नंबर 1। अरे दीदी गर्दन नीचे गिर जाएगी धड़ाम से। अबे कितनी लंबी गर्दन है बे इनकी, दो गर्दन बन जाए इसमें तो। भाई अब भाई कहीं से अगर तार छिला हुआ हो तो करंट लग सकता है। अरे बोतल का ढक्कन पिघला दो भाई, प्लास्टिक लगा दो। गजब। नंबर 4। अब भाई अगर बिना निशान छोड़े स्टिकर हटाना है तो पहले ड्रायर लगाओ और फिर हटाओ। अरे ऐसे हटेगा ऐसे, यूं। नंबर 3। और हाँ अगर जूते पहनाए में नहीं आ रहे तो किसी कपड़े की मदद से ऐसे पहन सकते हो। नंबर 2। अगर चिप्स का पैकेट आधा भरा हुआ है और खराब निकलना तो किसी कार्ड पे पैकेट का कोना फोल्ड करके गर्म कर दो, मतलब पैक हो जाएगा एकदम। नंबर 1। और अगर कहीं आग लगी हुई हो और तुम्हें निकलना है तो रुमाल गीला करके नाक पे लगाओ और जमीन की तरफ झुक कर निकलो, भाई जान बच जाएगी। नंबर 5। अब इन दीदी के पास लिपस्टिक रखने की जगह नहीं थी तो इन्होंने लिपस्टिक अपनी हील्स में रख ली। सही है भाई, मतलब साइड में से गोबर की खुशबू भी आएगी बढ़िया। नंबर 4। अब ये दीदी चश्मा पहन के सो नहीं पा रही तो इन्होंने ऐसा तकिया बनाया जिसके बीच में गैप है। अबे पर ये बताओ चश्मा पहन के सोना ही क्यों है। नंबर 3। अब इन भैया ने अपनी टॉयलेट सीट रिपेयर करने के लिए मैगी का इस्तेमाल किया। सही है भाई, जब जब टॉयलेट के अंदर तापमान बढ़ेगा मैगी अपने आप बन जाएगी। नंबर 2। अब अगर तुमने नए जूते लिए हैं तो उन्हें गंदा होने से बचाने के लिए तुम इन दीदी के द्वारा सुझाए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो और इंसान से जानवर। नंबर 1। अब इन दीदी ने मार्कशीट का एक कोना काट कर फेल से A+ कर दिया और पापा को दिखाया तो वो मान भी गए। अबे अगर मेरे पापा होते ना बेल्टों की सूटते बेल्टों की धड़ धड़ धड़। नंबर 5। एक तो भाई कूलर पंखे के सामने आवाज निकालने में जो मजे आते थे, मतलब ऐसे कलेजे को ठंडक मिलती थी। नंबर 4। जब भी स्कूल के कोर्स के लिए नई बुक्स आती थी ना तो उसके खुशबू सूंघ के जो सुकून मिलता था भाई पूछो ही मत। नंबर 3। 12 साल की उम्र में जब पता चलता था ना कि हिस्ट्री डिलीट कैसे करते हैं तो लगता था साला मुझसे बड़ा तो सूरमा कोई नहीं है दुनिया में। नंबर 2। बचपन में रबर पे पेंसिल से छेद करते थे और भाई निशानी बनाते थे कि ये मेरा रबर है। नंबर 1। अरे यार खाने में जब बाल आ जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, और अगर बाल कर्ली हो